अदाब, मैं मोहम्मद तौसीफ आज आरएमएल के अंदर से आप लोगों को कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ दिल्ली सरकार की। जो दिल्ली सरकार का सीएम केजरीवाल जो अपने आपको बड़े बड़े वादे करते हैं कि एलएनजेपी हो क्या ऑल इंडिया मेडिकल हो आरएमएल हो, मैं आज सैटरडे मॉर्निंग के अंदर अपनी एकदम मदर को यहाँ पर लाके एडमिट कराया और 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने मार दिया और कह रहा हमने मारा है और हमें कह रहा सीएम दिल्ली केजरीवाल का हुक्म है। वो कहता हमें दिल्ली का हुक्म है, मार दो, कोई टेंशन नहीं है, आबादी ज्यादा है, हम लोगों को मारने मारने का हुक्म दिएगा, गाइडलाइन आ चुकी है, न एक सुनने को कुछ तैयार है। अब दो डॉक्टर क्या कहते हैं हमसे मास्क हटा दें, ग्लूकोज हटा दें, हमारे पास इलाज करने का टाइम नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, हम दूर दूर से देख रहे हैं और माइक पे लेके बोल रहे हैं, दवाई दे रहा है, दूर से फेंक के दे रहा है, वे टॉकिंग बहुत बदतमीजी, गाली गलौज कर रही है। मैं आप सब लोग को दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली में इतना बुरा हाल है, जो दिल्ली के सीएम अपने आपको कहते हैं 20-20 लाख रुपए का या कहते हैं इलाज फ्री, 20 रुपए का इलाज फ्री नहीं है और सब यहाँ पर एक सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट सब एक हो गए, सब हरामी पन पे उतरे हुए, पूरी पूरी सब हरामी है। आप देख सकते हैं इन्होंने मेरी मदर को मार दिया है, मेरी मदर को आज इन्होंने मार दिया है। मैं 7 बजे सही सलामत देख के गया हूँ, मेरे से बात हुई है, उन्होंने मेरे से हाय हेलो करी है, लेकिन इन्होंने बाद में मेरे जाने के बाद 1 घंटे के अंदर उनके अंदर इंजेक्शन दे दिया पॉइजन का और वो उनको खल्लास कर दिया और ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे काम रोजाना सुबह से लेकर रात तक कितनी बॉडी डेड बॉडी देख चुका हूँ मैं 24 घंटे के अंदर। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि मेरा साथ दें, ये आवाज़ दिल्ली सरकार के सीएम जो सिर्फ बातों के धनी है, करने को तैयार नहीं है, ये वहां तक पहुंचाओ और ये वीडियो मेरी हर जगह जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। मास्क ना लगाने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना रखा गया है, दूसरी बार मास्क ना लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। पूरा दिन सड़कों पर वसूली चल रही है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से वसूली कार्यक्रम शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल में बेड ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए, वेंटिलेटर ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए, कोरोना टेस्ट ना होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए, शमशान में मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियां ना होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए, शमशानों में दिन दिन भर मुर्दा जलाने की वेटिंग के लिए सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए, जितने मंत्री और ये मुख्यमंत्रियों ने बंगाल से कोरोना लाकर फैलाया है उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए, बंगाल में बिना मास्क महीने भर से घूम रहे नेताओं पर डे के हिसाब से कितना जुर्माना होना चाहिए, क्या सरकारों की कोई जवाबदेही बची है देश में, क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला बचा है कोई देश में, क्या कोई पूछ सकता है कि 1 साल से देश कोरोना महामारी झेल रहा है, आपने पूरे देश में कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए हैं, क्या कोरोना आपदा में घिरे देश को 1,000 करोड़ के नए संसद भवन की जरूरत थी, क्या देश को 300 करोड़ के नए बीजेपी दफ्तर की जरूरत थी, क्या देश को तत्काल 1100 करोड़ के राम मंदिर की आवश्यकता थी। मंदिर के लिए चंदा मांगा जा सकता है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सरकार चंदा मांग सकती थी, लेकिन अस्पताल बनाने की नियत नहीं थी, मूर्ति बनाने की नियत थी तो बना दी। सरकारों ने अस्पताल नहीं बनवाए, क्या इस देश की पब्लिक सरकारों पर कोई जुर्माना लगाएगी, क्या कोरोना आपदा में देश को कुंभ सजाने की आवश्यकता थी, क्या देश को कोरोना महामारी के बीच बंगाल चुनाव में रैलियों की आवश्यकता थी, नहीं थी। देश को अस्पतालों की, डॉक्टरों की, कोरोना की दवाइयों की जरूरत थी, कुछ दवाइयां बनाई भी तो वाहवाही के चक्कर में विदेश भेज दी, आधे अधूरे टीकाकरण में देश अभी अटका हुआ है और ये कैसा टीका बनाया है जिसे लगाने के बाद भी कोरोना हुआ जा रहा है, क्या कोई सवाल पूछेगा, चीन ने कोरोना को फैलाया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, अपनी जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर ली, चीन से सब कुछ तो ले ही लिया है, सीख भी ले बुखार चढ़ रहा, अब हम दवाई खोलवा जा रहा हमारे घर को, हम तो अपने जिया से अच्छे हैं, उसे ही रंग दे हमें तो। जवाबदारी नहीं ले रहा यार, पर सुरक्षा तो कर रहे हैं अपने, सुरक्षा हमारी कुछ भी बीमारी क्या है, कुछ बीमारी नहीं है, हमें लगवाओ हमें ना कुछ बीमारी, हम तो अच्छे सुरक्षित हैं, हम नहीं ले सकते जवाबदारी, तुम्हारे ले सब हो सरकार से, तो हम लगवा सकते, हमें हम मार दिया, हमारे लड़का वाले गोपाल है गरीब आदमी, गोपाल
वो तो सर ने हमारा तो मार दिए भाई जो तो आप 15 दिन हो गए अन्न पान लो नहीं खा रही है नहीं हो रहा कैसे टीका से एक महीना हो गया हमारा फूफा को सब जुन चा गोच वाले हम कौन पड़े सुखा पता कौन गोचते हैं अरे मोदी सरकारी सर नमस्कार नमस्कार सर आपका वीडियो बहुत फेमस हो रहा है फेसबुक इंस्टा पे और 60 लाख से ऊपर लोग देख चुके हैं तो सर आप एक्चुअली वो वीडियो आपका कन्नड़ भाषा में है और हम चाहते हैं कि आप उसको हिंदी भाषा में बनाएं तो आप कोरोना से बचने का सरल उपाय बताइए सारे भारत के सनातन धर्म के संतान माने हिंदू बुद्धा जैन और सिख परिवारों को प्रभु ओंकार का हृदय कमल से जो संदेश पहुंचा है वो हम आपको आपके तक पहुंचाना चाहते हैं ये देखिए देश भर में इतना घोर अत्याचार चल रहा है कोविड के नाम लेकर लोगों को कारण रहे ना रहे उनको इन्फेक्शन बोल के ले जाके उनको 15 दिन का क्वारंटाइन में प्रतिदिन में 50,000 से 1,00,000 रुपया तक लूट रहे हैं अमायक लोगों को परिस्थिति बहुत भयंकर हो गया है और गंभीर हो गया है कोई बचाने वाले नहीं है तो इस दिशा में बहुत सरल उपाय यही है ये है प्रभु ओंकार के चरण कमल से जो आया है वो हम आपको अपने शेयर करेंगे ये है नींबू फल सब जानते हैं इसी का 2-2 बूंद नाक का दोनों रंध्र में डालने से और मुख ऐसा ऊपर करने से श्वास जब हम लेंगे तब क्या होता है सीधा ये तेजी से अंदर चले जाता है और मुंह में आ जाता है इसका समय लगेगा केवल 5 सेकेंड इतना कम समय में वो नींबू रस रौद्रावतार लेकर आग बन जाकर वो कोरोना को जला देता है तो 5 सेकेंड में अगर जल जाता है मृत्यु उसका हो जाता है तो रोग भी नहीं होगा सारा रोग खत्म हो जाएगा इसका इसका परीक्षा क्या लक्षण क्या है तुरंत आपको मुंह से नाक से सब जगह से कफा आ जाता है उसको बाहर थूकना है उसके बाद में वो जो नींबू रस जो बचा है ना उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिलाकर उसको 3 से 5 बार मुंह में डालना गार्गल करना थूकना है इतने के बाद में नाक में थोड़ा जलन शुरू हो जाता है इसलिए थोड़ा सा नारियल का तेल आप मुंह में डाल नाक में डाल के उसको लेपन कर दीजिए तब सभी शांत हो जाएगा सारा चिकित्सा केवल 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा 5 मिनट में व्यक्ति सरल सामान्य आरोग्यवान आरोग्यवती बन जाएंगे इसका उपरांत 10 मिनट में कोई उनके पास कोई रोग का लवलेश भी चिन्ह नहीं रहेगा ये जो विचार है जो पॉजिटिव 3rd degree पॉजिटिव लोगों को भी और जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको भी और जिसको कुछ भी नहीं हुआ है वो भी ले सकते हैं इसका पूर्ण परिणाम क्या होगा केवल 10 मिनट में सारा देश भर में हर एक व्यक्ति संपूर्ण आरोग्यवान या आरोग्यवती बन सकते हैं
एक विशेष सूचना देखिए, हमारा देश में जितने लोगों को क्वारंटाइन में लिया गया है और जो लोग पॉजिटिव में हैं, सबको आप एक ही मंत्र बोलना है, आरोग्य इलाका को आप उनको हमारे घर भेज दीजिए, हम होम क्वारंटाइन कर लेंगे, जो भी चिकित्सा हम अपने घर से करेंगे। ये बोलने के बाद सब बाई परसुएशन यू प्लीज़ गेट ऑल ऑफ देम इनटू योर होम्स एंड देन उनको ये नींबू रस का नींबू, इसको एक नींबू फल में 8 भाग करने से 8 व्यक्तियों का पूर्ण आरोग्य और प्राण रक्षा करता है। इतना करने के बाद में आपके घर वाले आपके पास रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये 10-15 दिन का ये जो भी चक्कर है ना, इसको तुरंत आप बंद कर दीजिए। प्लीज आप अपने लोगों का, जो अपने प्रिय लोगों को सुरक्षा करने का वो सुंदर अवकाश ये नींबू माता आपको देती है, आप लीजिए और आनंद से रहिए। इसमें जो भी सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, लोगों का उनका प्राण छीन कर उनका शरीर का अंगांग भी बेच कर ये लोग पैसा बना रहा है। ये बहुत दुर्भर भाग्य है, भाग्य नहीं है, दुख का कारण बन गया है। देश भर में सब शोक सागर मचा रहा है। तो ये विचार आप सब लीजिए, सब संतुष्ट रहिए, यही हमारी आशा है। और ओंकार का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ये सुंदर विचार आप सबसे शेयर कीजिए, प्रतिदिन आप कम से कम 500 लोगों को शेयर कीजिए। 10 एक सप्ताह या 10 दिन में सारा देश भर में ये विचार फैलना चाहिए और 10-10 मिनट में सभी लोग आरोग्यवान और आरोग्यवती बन जाइए। सबको ओंकार का आशीर्वाद के साथ नमस्कार। प्यारे भैया सुनो मेरे प्यारे भैया, हम आंगनवाड़ी बहना है कोई और नहीं, हम आशाएं नम बहना है कोई गैर नहीं, हम आशाएं नम बहना है कोई गैर नहीं, आंगनवाड़ी में है आना करुणा का है ठीक ना चल ना, आंगनवाड़ी में है आना करुणा का टीका लगवाना, सुरक्षा हम स्वास्थ्य विभाग वाले हैं कोई गैर नहीं, हम स्वास्थ्य विभाग वाले हैं कोई गैर नहीं, हम तुम्हारे सेवक रक्षक हैं कोई गैर नहीं, हम तुम्हारे सेवक रक्षक हैं कोई गैर नहीं, आंगनवाड़ी में है आना कोरोना का है टीका लगवाना, आंगनवाड़ी सिस्टम अपना बढ़ाना, अपनी सुरक्षा खुद ही करना, यूनिट पावर अपना बढ़ाना, अपनी सुरक्षा खुद ही करना, इसमें है उन लोगों को वैक्सीन लगवाना कहीं भूले न जाना आंगनवाड़ी बहना है कोई गैर नहीं, हम आशा कार्यकर्ता है कोई गैर नहीं, हम आशाएं नम बहना है कोई गैर नहीं, हम आशाएं नम बहना है कोई गैर नहीं, बुखार आ जाए तो बुखार नहीं है ना, जानते हैं आपकी ताकत और बढ़ जाएगी तो और अच्छे से चार
खेत काट पाएंगे जहाँ दो काटते हैं। हाँ नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, कौन कहता है कि बुखार आती है, बुखार आ जाएगा। अरे नहीं आती दीदी, बुखार दवाई दी जाएगी। फिर चले जा 20 मिनट बाद। देखिए कोठे में बंद होने वाला है तो आप सीधे सतना जाना पड़ेगा टीका लगवाना। फिर पैसा लगेगा इसके बाद, जो राशन वासन मिलता है ना वो भी बंद हो जाएगा, वो आधार से लिंक हो रहा है ये प्रमाण पत्र जो मिल रहा है। तो ओ दादा बुखार आ जाएगी, नहीं आएगी ना दीदी बुखार, बिल्कुल नहीं लगी। मैडम जी हमारी ये पूछना बंद कर दो, उल्टे हाथ में लगवा लीजिए यही महाशिया चटरा में जिसमें ना काटी हो आपके लगवा लीजिए ना। देखो सरकार थी घर घर लगवा रही है, अब फिर ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं था ना, मैं ऐसे थोड़ी। कहाँ बेटा पापा तुम्हारे? बाहर। पापा लगवाए टीचर की? नहीं लगवा लिए। और इन घरों में नहीं है क्या कोई? दरवाजा निकला बुढ़ा हुआ रे ले ले इंजेक्शन निकलवा ले। एक औरत देख के ना दरवाजा लगवाए कि नहीं टीका लग गया आपको?